हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 27 जून 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज भी देखेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थाट से। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, मतलब अगर आप बिना प्लान किए कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपका गोल नहीं हो सकता, वो आपकी एक सिर्फ विश है। तो गोल को पाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी जरूरी है। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले कल के टॉपिक का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में संजय कुमार को नियुक्त किया जाएगा और इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कॉनर मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। आईएमएफ के अनुसार फिजिकल ईयर 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में 4.5% तक की गिरावट आएगी। चीन संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने घर घर में स्क्रीनिंग के लिए किल करोना अभियान शुरू किया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने ई एप्लीकेशन के प्रभावी उपयोग के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है। द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है जिसे भारत के बाहर स्थापित किया जाएगा। लद्दाख ने हाल ही में सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक की पानी की बोतलें के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में सरकार ने डेयरी, पोल्ट्री और मांस प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 15,000 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे निधि को मंजूरी दी है। हाल ही में टी रविशंकर को इफ्टास IFTAS के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चलिए देखते हैं अब आज के क्वेश्चंस। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड ई ब्लड सर्विसेज ऐप इन पार्टनरशिप विद द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। हाल ही में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ साझेदारी में ई ब्लड सर्विसेज ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है ई ब्लड सर्विसेज ऐप। ओके, किसके साथ मिलके? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलके। तो इस ऐप के जरिए जो भी पीपल हैं जिन्हें ब्लड की ज़रूरत है वो ब्लड की डिमांड कर सकेंगे और उनकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले यूज़र को ऐप में रजिस्टर होना पड़ेगा। बात करते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान और इसको लॉन्च किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। जो भी लॉकडाउन के दौरान लगभग 30 लाख माइग्रेंट वर्कर वापस आए थे उत्तर प्रदेश में देश के अलग अलग कोने से, तो इस अभियान का फोकस जो है उनको जॉब प्रोवाइड कराना है, वहाँ के लोकल बिजनेस को प्रमोट करना है और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और साथ ही अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को जॉब प्रोवाइड कराया जा सके। ओके, बात हुई उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ प्लानिंग टू डेवलप मिलिट्री बेस इन इंडियन ओशियन। हाल ही में कौन सा देश हिंद महासागर में सैन्य बेस विकसित करने की योजना बना रहा है? तो हाल ही में ईरान जो है तो वो इंडियन ओशियन में मिलिट्री बेस बनाने की प्लानिंग में है। ओके, तो ईरान की जो द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स हैं यानी कि IRGC वो प्लानिंग कर रहे हैं कि इंडियन ओशियन में परमानेंट एक मिलिट्री बेस को सेटअप करेंगे और ये अनाउंस किया है वहाँ के नेवी कमांडर ने जो कि हैं रियर एडमिरल अलीरेज़ा तंगसिरी के, और उनका कहना है कि मार्च 2021 तक डेवलपमेंट होगा। ओके, तो देखते हैं थोड़ा ईरान के बारे में।
ईरान की कैपिटल है तेहरान। यहाँ की करेंसी पहले थी रियाल और अभी हाल ही में उसे चेंज कर दिया गया है, अब यहाँ की करेंसी तोमन। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों ही मिलके को होस्ट करेंगे 2023 का जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है। ओके, बात करें इसके पहले कब हुआ था, तो इसके पहले हुआ था फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2019 में हुआ था फ्रांस में। ओके, और यहाँ जीती थी यूएसए की टीम। और अब अगला 2023 में होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ओके, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1904 में। ओके, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच में, ज्यूरिच है स्विट्ज़रलैंड में। ओके, अभी हाल में यहाँ की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं 211, और अभी हाल ही में इंडिया की फीफा रैंकिंग आई थी, इंडिया की रैंकिंग थी 108। ओके, उसके अलावा बात करें तो जो मोटो है फीफा का, एक मोटो भी है, यहाँ का मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया गया? ओके, ये था 2020 का। ओके, और इसे मनाया गया है अभी 26 जून को। बात करते हैं कि मनाया क्यों जाता है, तो जो भी नशीली दवाइयाँ होती हैं उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में सोसाइटी और ह्यूमंस को अवेयर करने के लिए, और सोसाइटी को उन नशीली दवाइयों से मतलब फ्री करने के लिए ये अवेयरनेस चला जाता है और ये डे मनाया जाता है। ओके, इसके बाद बात करें तो 26 जून को ही एक और डे मनाया जाता है, वो है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। क्या है? इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। ओके, ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कि जो भी कन्वेंशनल मेथड हैं किसी को पनिशमेंट देने की, टॉर्चर करने की, जो भी क्रूएल मेथड हैं या इनह्यूमन मेथड हैं, उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये डे मनाया जाता है। ओके, बात करते हैं 20 जून की। 20 जून को मनाया गया था वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून को था इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे और फादर्स डे। और 23 जून को था इंटरनेशनल ओलंपिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड YSR कपू निष्ठम स्कीम फॉर द वुमेन ऑफ कपू कम्युनिटी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कापू समुदाय की महिलाओं के लिए YSR कापू निष्ठम योजना शुरू की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी कि जगन मोहन रेड्डी जी ने शुरू किया है YSR कापू निष्ठम योजना। इस योजना के तहत जो भी कापू समुदाय की महिलाएं हैं जिनकी उम्र है 60 से या 45 से 60 के बीच के उम्र की जो भी महिलाएं हैं, उनको हर साल 15,000 रुपये दिए जाएंगे 5 साल तक के लिए, यानी टोटल 75,000 रुपये दिए जाएंगे। ओके, प्रति महिला को। उसके बाद बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, अमरावती। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के जगन मोहन रेड्डी जी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार स्कीम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट वुमेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं को
पोषण किट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्ट उपहार योजना शुरू की है। तभी हाल ही में त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू की है, जिसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनको पोषण किट प्रदान की जाएगी। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, यहाँ के सीएम हैं विप्लव कुमार देव और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू यूज ड्रोन माउंटेड यूएलवी स्प्रेयर फॉर लोकस्ट कंट्रोल। हाल ही में कौन सा देश टिड्डे नियंत्रण के लिए ड्रोन माउंटेड यूएलवी स्प्रेयर का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है 3, इंडिया। इंडिया बना है अभी वर्ल्ड का पहला कंट्री जो कि टिड्डे नियंत्रण के लिए माउंटेड ड्रोन यूएलवी स्प्रेयर का उपयोग करेगा। इसका डेवलपमेंट होगा मेक इन इंडिया के अंतर्गत और जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर्स का, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये इसका डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, यूएलवी का यहाँ पे मतलब है अल्ट्रा लो वॉल्यूम। तो जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं इंडिया के, वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो है पुरुषोत्तम रूपाला एंड कैलाश चौधरी। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला एंड कैलाश चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ई इनॉग्रेटेड पुनेजा ब्रिज एंड देविका ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर? हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पुनेजा पुल और देविका पुल का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने उद्घाटन किया है दो पुल का, पुनेजा पुल और देविका पुल। पुनेजा पुल है दोहा डिस्ट्रिक्ट में और देविका पुल है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, दोनों ही जम्मू कश्मीर में हैं। जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है जम्मू होती है विंटर में। ओके, और श्रीनगर होती है समर में। और जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वेट लिफ्टर विल गेट अर्जुना अवार्ड फॉर 2018? किस भारतीय वेट लिफ्टर को 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार मिलेगा? तो अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है कि संजीता चानू को 2018 का अर्जुना अवार्ड दिया जाएगा। एक्चुअली में हुआ क्या था, 2018 में जब संजीता चानू रिकमेंड हुई थी अर्जुना अवार्ड के लिए, उस टाइम पे जो बैंड दवाइयाँ होती हैं उनका यूज़ करने के लिए ये पॉजिटिव पाई गई थी, तो इनके अवार्ड पे रोक लग गई थी। तो अभी हाल ही में लास्ट मंथ इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा जो डोप चार्जेस थे उसको हटा दिया गया क्योंकि कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला है। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उनको 2018 का अर्जुन अवार्ड वापस मिलेगा। बात करें तो ये दो बारी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड ला चुकी हैं, 2014 में और 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज स्वॉर्न इन एज द जज ऑफ केरला हाई कोर्ट? हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में जस्टिस अनंत मनोहर बादर, इन्होंने शपथ ली है केरला हाई कोर्ट के नए जज के रूप में। ओके, इसके पहले ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थे और केरला के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस एस मनी कुमार। ओके, ये आके चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद बात करें केरला की, तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम।
और यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन, पिनराई विजयन, और गवर्नर हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज स्वॉर्न इन एज फिफ्थ गुजरात लोकायुक्त, हाल ही में पांचवें गुजरात लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ गुप्ता की जगह शुक्ला होगा। ओके तो रिटायर जस्टिस नरेंद्र कुमार शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है गुजरात का पांचवें लोकायुक्त के रूप में। तो बात करें लोकायुक्त के बारे में, लोकायुक्त होता क्या है, तो जो भी पब्लिक फंक्शनरीज जैसे कि चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर, चेयरमैन है किसी गवर्नमेंट ऑफिस के या ऑर्गेनाइजेशन के, या किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो इन सब व्यक्तियों के खिलाफ जब भी कोई एलिगेशन लगता है तो उनका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोकायुक्त को कहा जाता है, इसीलिए लोकायुक्त को नियुक्त किया जाता है। ओके उसके बाद बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गांधीनगर। यहाँ के सीएम हैं विजय रूपानी जी, और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। तो चलिए अब कुछ आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप पुणे में शुरू हुआ। ओके तो पुणे में एक पेट्रोल पंप है जिसको आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप बोला गया है, और ये पेट्रोल पंप इस्टेब्लिश किया गया है जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ज़रूरी है पॉइंट्स, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए। नेक्स्ट है 30 साल के इंतज़ार के बाद लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता है, लिवरपूल हैव वॉन इंग्लिश प्रीमियर लीग आफ्टर 30 ईयर्स वेट। उसके बाद है कैरियर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड CMI हैज़ अपॉइंटेड संजय महाजन एज MD। कैरियर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड CMI ने संजय महाजन को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ टॉप द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020। द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बात करते हैं यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है, तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप की जिनको बने अभी 50 साल हुए हैं या उससे कम हुआ है, तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को बोला जाता है यंग यूनिवर्सिटीज़, और इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की 2020 की रैंकिंग आ चुकी है जिसमें टॉप किया है द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है MSDE एंड IBM जॉइंस हैंड टू लॉन्च स्किल बिल्ड रीइग्नाइट प्लेटफॉर्म एंड स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप। ओके मतलब कि MSDE और IBM ने एक साथ मिलकर लॉन्च किया है स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट प्लेटफॉर्म और स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप। तो समय आ गया है अब आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच कंट्री हैज सस्पेंडेड H1B वीज़ा एंड अदर वर्क वीज़ाज फॉर द एंड ऑफ दिस ईयर, हाल ही में किस देश ने इस वर्ष के अंत के लिए H1B वीज़ा और अन्य कार्य वीज़ा को निलंबित कर दिया है। तो गाइज मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करिए कमेंट बॉक्स में। अब आइए देखते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल का क्वेश्चन था विच स्टेट विल लॉन्च मुख्यमंत्री श्रमिक स्कीम टू गारंटी एम्प्लॉयमेंट फॉर अर्बन अनस्किल्ड वर्कर्स, शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार की गारंटी के लिए कौन सा राज्य मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू करेगा। तो इसका सही आंसर था झारखंड। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20, और आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। साथ ही देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज भी होगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।